Dear students, welcome to you in RCIE Education Group Bansur. We study in a previous class about phenol, nomenclature, some basic examples. In next, now will be next example. We take OH group, respect CH3, that is methyl substituent, and its common name can be represent cresol. तो तीनों जो अपने पास कंपाउंड्स हैं उनका कॉमन नेम क्या है? क्रिसोल, दैट इज कॉल्स क्रिसोल. आईपीएसी नेम सेम, आल्सो कॉल्स ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल. इन प्रीवियस क्लास वी सी ऑर्थो, मेटा, पैरा. 1-2 इज ए ऑर्थो, 1-3 इज ए मेटा, 1-4 इज पैरा पोजिशन. सो आईपीएसी नेम इज आल्सो, बट अदर इज आल्सो गिवन टू मिथाइल फिनोल. व्हाई? दैट इज 1-2, 1-3, 1-4. सो अदर में भी ऑर्थो क्रिसोल और टू मिथाइल फिनोल. इसके डेरिवेटिव हैं फिनोल के, पोजिशन कहाँ पे है? सेकंड पे है टू मिथाइल फिनोल. मेटा क्रिसोल और अदर नेम 3-मिथाइल फिनोल. पैरा क्रिसोल अदर नेम 4-मिथाइल फिनोल. ओके, ये जनरल एग्जांपल्स हैं जो अपने मोस्टली आगे केमिकल्स रिएक्शंस में प्रिपरेशन करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में यूज किए जाएंगे. उसी के बेस पर हैं हम कंपाउंड्स की जनरल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली स्टडी करते हुए उनका प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शंस, प्रोसेस देखेंगे. अदर एग्जांपल्स यू कैन सी इन कॉमन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फिनोल रिंग, दैट इज कॉमन नेम एंड आल्सो इट्स आईयूपीएसी नेम रिप्रेजेंट, दैट इज मोस्टली आईयूपीएसी नेम मेन फीचर्स. नाउ वी टॉक अबाउट मेन प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल. फिनोल तो बनाने की मेथड्स हैं मोस्टली, कौन कौन सी मेन मेथड हैं उनकी स्टडी करेंगे. मेन जो स्टडी है इसकी, फर्स्ट स्टडी है वो अपन इसको कहाँ फॉर्मेट कर सकते हैं, कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, कहाँ बनाएंगे इसको? लैब के अंदर. मोस्टली लैब में इस कंपाउंड से क्या बना सकते हैं, किस टाइप से बनाएंगे. अगर अपने को फिनोल का फॉर्मूला ऑलरेडी नॉन है, देन यू कैन इजीली फॉर्मेशन और प्रिपरेशन बाय अदर कंपाउंड्स. लाइक यू कैन सी हेयर OH ग्रुप, क्या है? OH ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग. आपको क्या करना है? बेंजीन रिंग के पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को प्रिपेयर करना है. मैनी मेथड्स फॉर इट. फर्स्ट इज लैब में कैसे बनाएंगे, लेबोरेटरी में, दैट इज नेम लेबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, लैब में इसको कैसे बनाते हैं, वो मेथड है. प्रैक्टिकल्स में भी मोस्टली फिनोल को अपन बना सकते हैं लैब के अंदर, और बनाने का बेस्ट मेथड है लैब मेथड.
और इस मेथड में डिफरेंट टाइप के रेजेंट्स यूज करते हुए फॉर्मेशन करेंगे किसका, फिनोल का। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टडी करें लैब मेथड में, दैट इज फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, मोस्टली बेंजीन से किसका फॉर्मेशन करना है, फिनोल का फॉर्मेशन करना है। यू कैन सी इन दिस पोजिशन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच। सो हाउ इट कम, वाट इज द रेजेंट, टेम्परेचर, प्रेशर इज यूज इन केमिकल रिएक्शंस। मोस्टली बेंजीन से आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, ओ एच ग्रुप को लेकर के आना है इसकी पोजिशन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फिनोल, इट्स नेम इज बेंजीन। दैट मीन्स फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से फिनोल कैसे बनाए। अब इसके लिए अपने को रेजेंट यूज करना है, यहां जो अपन यूज करते हैं ऑन दिस एरो, दैट इज कॉल्स रेजेंट, ओके, दैट इज कॉल्स रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट।